आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंधियों का स्पेशल ब्रेकफास्ट दाल पकवान की रेसिपी। पकवान भी हम बनाएंगे जो लंबे समय तक क्रिस्पी रहेंगे, दाल डालने के बाद भी बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पकवान बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी आटा लिया है और उसमें डाल दिया एक कटोरी मैदा, और इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच सूजी के, साथ ही में हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और यहाँ पर लिया है आधा चम्मच अजवाइन। इसको हाथों पर क्रश करके डालेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो आटा और मैदा लेने से ये पकवान ज़्यादा टाइम तक क्रिस्पी रहेंगे। साथ ही में हम ऐड करेंगे 4 चम्मच ऑयल की, को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद में हम इसका आटा गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। पानी एक साथ बिल्कुल मत डालिएगा, आटा ज़्यादा ढीला नहीं गूंदना है, रोटी जैसा आटा नहीं लगाना है, इसका थोड़ा टाइट आटा लगाना है जिससे कि पकवान जो बनाए ना वो क्रिस्पी बने और ज़्यादा टाइम तक चले। तो देखिए बस यहाँ पर डो लगाकर हमने रेडी कर लिया। जैसे हम मठरियों के लिए डो लगाते हैं पापड़ियों के लिए, बस उसी तरीके का डो लगाकर तैयार करेंगे। इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी चने की दाल ली थी, इसको भिगो दिया था 3-4 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद कुक कर लिया नमक और हल्दी डालकर। दाल को फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें 3 चम्मच ऑयल के डालेंगे और उसको गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हम जीरे की, और इसको थोड़ा पकने देंगे। उसके बाद में हम डालेंगे 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन, और 1 चम्मच ही हम डालेंगे इसमें कटा हुआ अदरक। इन सबको अच्छे से भून लेंगे। एक हरी मिर्ची डाल दी है मैंने कटी हुई, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया, मतलब बारीक चॉप कर लिया है। इसको भूनने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, तो नमक डालने से प्याज जल्दी भूनती है। साथ ही में मैंने 8-10 करी पत्ते के, बस इन सारी चीज़ों को भून लेंगे जब तक कि प्याज थोड़ी सी गोल्डन कलर की नहीं हो जाती, तब तक हम इसको भूनेंगे। तो लगभग 1 से 2 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से भून चुकी है। इसमें डालेंगे हम तब 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें डाल देंगे हम टमाटर। तो यहाँ पर मैंने इनको टमाटर को ग्रेट किया है, आप चाहें तो प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं। तो बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे जिससे कि टमाटर और मसाले जले नहीं। इसको थोड़ा सा पकने के लिए हम इसको ढककर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। 2 मिनट बाद में इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तो ऑयल हल्का हल्का सा रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि ऑयल हमने थोड़ा कम लिया है, इसलिए बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद में इसमें ऐड करेंगे हम दाल, बॉईल की हुई जो हमने दाल ली है ना चने की, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसको हल्का सा हम चम्मच से भी इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से हिला देंगे, थोड़ा मैशी कर देंगे, तो ये बहुत अच्छी सी थिक सी दाल बनेगी। बस इसमें डाल देंगे हम आधा कटोरी पानी, आधा कटोरी या कप जो भी आप लें उससे डाल दीजिए पानी, और इसको ढककर 5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकने देते हैं। तो तब तक हम आटे को भी देख लेते हैं जो हमने डो तैयार किया था पकवान के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर डो बिल्कुल रेडी है, अच्छे से सेट हो गया। अब इसकी इक्वल साइज़ की हम बॉल्स बना लेंगे। जितना बड़ा आपको पकवान बनाना है उस हिसाब से आप इसकी बॉल्स बनाकर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसकी मीडियम साइज़ की बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी इस तरीके से। तो बस इसको बेल लेते हैं। तो एक रोलिंग बोर्ड पर इसको रखेंगे और इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको रोटी से पतला बेलेंगे, और थोड़ा पतला बेलेंगे तो ये लंबे टाइम तक क्रिस्पी रहेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अब इसको फॉक से हम इस तरीके से इसमें छेद कर देंगे, यानी कि इसको पिक कर देंगे दोनों साइड से, जिससे कि ये फ्राई करते टाइम पर फूलेंगे नहीं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पकवान बेल कर बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से सारे पकवान बेल कर हम रेडी कर लेंगे और इनको फ्राई करेंगे। उससे पहले हम एक बार दाल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं और ये दाल अच्छे से बिल्कुल कुक हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में गैस को ऑफ कर देंगे और इसको साइड में रख देते हैं। पकवान को फ्राई करने के लिए ऑयल गरम कर लेंगे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद में हम डालेंगे पकवान, और फ्राई करते टाइम पे भी हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। जब तक पकवान का कलर थोड़ा सा गोल्डन, डार्क गोल्डन कलर नहीं हो जाता ना, तब तक इनको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कीजिएगा। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा, मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कीजिएगा। ये देखिए, अच्छे से सिक गए हैं। ये कलर थोड़ा लाइट में आपको लाइट लग रहा है, बाकी ये अच्छे से कलर का गोल्डन हो चुका है। तो बस इसी तरीके से सारे पकवान को सेक कर रेडी कर लेंगे, और ये पकवान 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो बस यहाँ पर सर्व करेंगे गर्मा गर्म दाल के साथ। तो दाल में तड़का भी ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी को अच्छे से गर्म कर लिया, उसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, 2 लंबी कटी हुई हरी मिर्ची और 2 साबुत लाल मिर्ची डालकर इसको गर्म कर लिया था, और यहाँ पर तड़का ऐड कर दिया है। और इसको इस तरीके से सर्व करेंगे, और आप इसको पकवान के साथ में इस तरीके से भी खा सकते हैं। और दूसरा तरीका, इसकी चाट बनाकर भी आप इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चाट बनाने के लिए एक पकवान लेंगे, उस पर लगाएंगे दाल। तो पकवान की दाल तो थिक रहती ही है, बस इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे पे। ऊपर से लगा देंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, और लगा देंगे ऊपर से कटा हुआ टमाटर, साथ ही में ऐड कर देंगे कटी हुई हरी मिर्ची,
और इस पर डालेंगे हम कुछ मसाले। तो यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, लाल मिर्ची का पाउडर, इमली की खट्टी मीठी चटनी, चाहे तो हरी चटनी भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से डाल देंगे थोड़े बारीक वाले सेब। तो यहाँ पर हमारा चाट वाला पकवान बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।